हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सांभर कैसे बना सकते हैं, वो भी घर पे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको सांभर बताऊंगी, वो भी बिना सांभर मसाला के हम कैसे बना सकते हैं, थिकनेस कितनी अच्छी है यहाँ पर हमारे सांभर की। और यहाँ पे मैंने किसी भी बाहर के मसाले का यूज़ नहीं किया है, जो भी घर में सब्जियाँ पड़ी थी उन्हीं से ही ये सांभर मैंने यहाँ पे तैयार किया है। और टेस्ट मानेंगे आप तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर सांभर बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं, सारी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पर 2 आलू हैं, 4 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, 1 गाजर है और 1 बड़ा सा घिया है। यहाँ पे आप तोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेठे का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास सब्जियाँ घर में पड़ी हों आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से घिया, टमाटर, आलू और हमारी ड्रमस्टिक और यहाँ पर ये गाजर, ये सब अच्छे से, प्याज अच्छे से चॉप कर लिया है। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितनी अरहर की दाल ली है, उसे अच्छे से धो लिया था और उसे 2-3 बार धोने के बाद यहाँ पे कुकर में डाल दिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपनी सब्जियाँ। आप सब्जियाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, आप पत्ता गोभी मत कीजिएगा, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी इसके अंदर। गोभी भी आप डाल सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वान्टिटी में। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ आप सारी डालिए, प्याज डालिए, टमाटर डालिए अच्छे से और आलू भी डालिए। और ड्रमस्टिक भी मैंने यहाँ पे ऐड करी है, ऑप्शनल है, कई बार नहीं भी मिलती, पर ड्रमस्टिक के बिना जो सांभर है वो अधूरा रह जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पे अंदाजे से डाला है, इतना डालिए जिस आपकी जो सब्जियाँ हैं भीग जाएं। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जितना हल्दी और 1 चम्मच जितना ही हम यहाँ पे नमक डालेंगे। और उसके बाद हम इसे ढक देंगे, कुकर को लिड लगा देंगे अच्छे से। और उसके बाद हम चलेंगे इसे कुक करने के प्रोसेस में। कुक करने के लिए यहाँ पे मैंने इसे हाई फ्लेम पे रख दिया है। यहाँ पे मैं इसके 3 सीटी हाई फ्लेम पे लगा के 5 मिनट लो फ्लेम पे रख के इसे बंद कर दूँगी। तो हाई फ्लेम पे आपकी 3 सीटी, जब आपके कुकर में से अच्छे से प्रेशर निकल जाए तब आप इस लिड को हटा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारी दालें और जो सब्जियाँ हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे करछी की हेल्प से चला के देखेंगे तो देखिए एकदम से मिक्स हैं ये। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर इमली को उबालेंगे, इमली के पानी निकालेंगे यहाँ पर हम। तो देखें, यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर पानी डाल लिया है, ये 1 ग्लास जितना पानी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और उसके बाद इसे हम हाई फ्लेम पे उबालेंगे पानी को, और साथ ही जो हमारी इमली है उस पर हल्की फुल्की डस्ट होती है तो हम उसे धो लेंगे पहले। तो देखिए, पानी हल्का सा उबल गया है तो, और यहाँ पर मैं ये इमली को धो रही हूँ तो ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे इमली को। और उसके बाद हम यहाँ पर उबलते हुए पानी में इमली को डाल देंगे और अच्छे से इसे, इसका जो पल्प है सारा अलग हो जाए और ये सारा पानी के अंदर आ जाए, इतना अच्छे से इसे उबाल लेंगे। और जब ये अच्छे से खुल जाएगी हमारी इमली और एकदम पानी इसका निकल जाएगा तब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो देखिए, एकदम से अच्छे से उबल गई है ये, एकदम मिक्स हो गया है, सारा पानी भी गाढ़ा हो गया है। और उसके बाद हम चलिए इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारा पानी जब ठंडा हो गया है, हल्का हल्का न्यूक वॉर्म है और मैंने इसे अब यहाँ पे स्टेन कर लिया है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसी पैन में हम तड़का भी लगाएंगे तो इस पैन को साफ़ कर लेंगे साथ ही साथ। और यहाँ पे हमने इसे एकदम स्टार्च इसका सारा निकाल लिया, सारा पल्प इसका जो है पानी के अंदर आ गया है, सब कुछ इसका जो कंटेंट है इस इमली के पानी का हमने बना लिया है। तो चलिए अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया है। देखिए, हमने यहाँ पे सांभर में अभी तक कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाला था और हल्दी डाला था। अब हम सब कुछ मसाला यहाँ पे हम तड़के में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जितना ऑयल गर्म कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद 1 चम्मच जितना राई डाला है यहाँ पर अच्छे से, ताकि सांभर में, तो राई के बिना सांभर तो बिल्कुल अधूरा है। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा, और जब ये अच्छे से चटक जाए तो यहाँ पे मैंने ये 4 जो है मोटी मिर्च डाली है सांभर के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कड़ी पत्ता, ये हल्का सा मैंने काट लिया था, पूरा पूरा नहीं डाला है। और इसे काटने के बाद जब अच्छे से चटक जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हींग, तो यहाँ पे मैंने हींग ऐड कर दिया है। और उसके बाद डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये 2 चम्मच जितना मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर यहाँ पे ऐड किया है। और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च यहाँ पे ऐड करी है,
और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और एक चम्मच भर के गरम मसाला बस। और उसके अलावा हम यहाँ पे कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आपका स्वाद अनुसार रहेगा, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे जो हमने इमली का पानी बनाया था वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और बस अब हमारा ये जो मिक्सचर है एक ऑलमोस्ट रेडी है तड़के के लिए। और इसे अच्छे से उबालेंगे, दो से तीन उबाले यहाँ पे हम इसे देंगे और उसके बाद हम इसे अपने सांभर में ऐड करेंगे। तो देखिए ये ऑलमोस्ट उबलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सारा जो मिक्सचर है उबल गया है। और उसके बाद तो चलिए अब इसे ऐड कर देते हैं अपने सांभर के अंदर। तो बस यहाँ पे आपका काम हुआ बिल्कुल ख़त्म। बिना किसी सांभर मसाले के हमने ये सांभर घर में बना लिया है और खाने में इतना ज़बरदस्त बना है ये कि आप एक से दो, दो से तीन कटोरी एक बारी में खा जाएंगे। बहुत लाइट मसाले, खाने में एकदम ज़बरदस्त। आप इसे डोसा के साथ, उत्पम के साथ, इडली के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आई बटन में मैंने आपके साथ उत्पम के वीडियो और डोसा के वीडियो भी शेयर किया है। उसके अंदर IMTR का हमने इंस्टेंट डोसा और उत्पम हम कैसे बना सकते हैं उसका रिव्यू भी है, तो आप वो भी देखिए और इस सांभर को उसके साथ एंजॉय कीजिए। इडली की वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, खुश रहिए। जो भी आपके साउथ इंडियन फूड लवर्स फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो पर टैग कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ, तब ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।